हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशलिन क्रिएशन। क्रोचेट के न्यू डिज़ाइंस और पैटर्न्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी न्यू अपडेट्स और वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये क्रोचेट का पॉपकॉर्न डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि 22 के चेन पर मैंने रेडी किया था। इसे हम अपने स्वेटर्स और जैकेट्स और कार्डिगन्स में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये डिज़ाइन सिखाऊंगी कि कैसे रेडी होता है। फर्स्ट मैंने चेन 22 रेडी किया है, उसके बाद यहीं पे चेन 5, 1, 2, 3, 4 and 5। अब हम यहाँ पे 5 के स्पेस के साथ 2 चेन और ऐड करेंगे, मींस यहाँ पे 7th स्टिचेस को छोड़ते हुए हम यहाँ पे 8th में फुल स्टिच करेंगे ऐसे। अब चेन 2, 1, 2 और नेक्स्ट में 2 का स्पेस छोड़ते हुए फिर से 2 simple stitch chain 2 and again 2 का space skip करते हुए 1 and 2 and third में 1 ऐसे करते हुए मैं ये पूरा रो कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे अपना रो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने जा रही हूँ चेन 5, 1, 2, 3, 4 and 5। अब साइड को चेंज करते हुए नेक्स्ट में जो हमारा फर्स्ट स्टिच है यहाँ पे सिंपल स्टिच डालते हुए ये स्पेस को स्किप करेंगे। एंड नेक्स्ट में 5 simple stitches, 1, 2, 3, 4
and 5 आप इसके साइड को चेन करते हुए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टिच था यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच डालूँगी। अब फिर से साइड को चेंज करते हुए नेक्स्ट में यहाँ पे सिंपल स्टिच ऐसे। अब चेन टू और ये वाला स्पेस फिर से स्किप करेंगे और नेक्स्ट में सिंपल स्टिच और फिर से 5 स्टिचेस 2, 3, 4 and 5। अब फिर से इसका साइड चेंज करूंगी और स्लिप स्टिच एंड फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा सिंपल स्टिच चेन 1 and 2 एंड हमारी लास्ट वाली बॉक्स में फिर से 5 सिंपल स्टिचेस थ्री हो गए हैं 4 5 फिर से इसकी साइड को चेंज करते हुए स्लिप स्टिच मैंने फिर से इसके साइड को चेंज किया एंड नेक्स्ट में सिंपल स्टिच एंड चेन टू एंड यहाँ पे हम थर्ड चेन में सिंपल स्टिच डालेंगे 1, 2, 3 ऐसे। देखिए फ्रेंड्स
ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट रो भी ऐसे ही बनाकर दिखाऊंगी। चेन फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, टर्न ओवर जो हमारा फर्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच था वहाँ के फर्स्ट में हम सिंपल स्टिच डालेंगे ऐसे। अब ये रो जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही ये रो मैं कंप्लीट करूँगी। वन एंड चेन टू, इसके नेक्स्ट स्टिच में टू का चेन करते हुए ऐसे ही ये मैं कंप्लीट करते हुए आपको दिखाऊंगी। फिर से चेन टू एंड जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पे सिंपल स्टिच। एंड ऐसे ही ये पूरा रो कंप्लीट होगा और नेक्स्ट में भी यहाँ पे थर्ड चेन में स्लिप स्टिच नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल स्टिच करते हुए ऐसे रो कंप्लीट होगा। अब चेन फाइव, टू थ्री फोर एंड फाइव, टर्न ओवर एंड नेक्स्ट में फिर से जो हमने सेकंड रो में पैटर्न रिपीट किया था सिंपल स्टिच यहाँ पे डालते हुए और नेक्स्ट में फाइव स्टिचेस टू थ्री फोर एंड फाइव, टर्न ओवर एंड अगेन यहाँ पे स्लिप स्टिच। फिर से मैंने साइड चेंज किया और सिंपल स्टिच ऐसे ही फ्रेंड्स ये पूरा रो कंप्लीट होगा। देखिए फ्रेंड्स अब मैं ऐसे ही करते हुए हमारे लास्ट बॉक्स में
पहुंच गई हूँ। थ्री स्टिचेस हो गए हैं, फोर एंड फाइव, एंड टर्न ओवर स्लिप स्टिच और अगेन सिंपल स्टिच इनटू नेक्स्ट स्टिच। अब लास्ट में फिर से टू स्टिचेस, करते हुए यहाँ पे मैं सिंपल स्टिच वन ही करूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पॉपकॉर्न डिज़ाइन रेडी है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया होगा।